किसी का आवाज आ रहा है। अवनी जी आपका ही आवाज आ रहा है सर। मेरे वो वाला में आवाज आ रहा है सर, मैं बंद कर दूंगा अभी, आप स्टार्ट कर दो सर। ओके वेरी गुड। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि यहाँ पर अवनी जी ने बताया कि आज हमारा बायोफिट का जो ट्रेनिंग है आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेटसअप कंपनी के जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, मतलब जैसे कि नेटसअप कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में नेटसअप कंपनी काम करती है, उसमें सबसे पहली प्रोडक्ट कैटेगरी आती है बायोफिट। उसके बाद हमारी सबसे और एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आती है हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यानी कि नैचरामोर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हर्ब्स एंड मोर के प्रोडक्ट कैटेगरी। फिर उसके बाद आती है क्लीन एंड मोर। इस तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में नेटसअप कंपनी पिछले 20 साल से लगातार काम कर रही है। और बायोफिट ये जो प्रोडक्ट रेंज है इसमें हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग हमने यहाँ पर किया हम यहाँ पर आयोजित किया हुआ है। उसको हम यहाँ पर हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनको ये पूरी जानकारी में देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जिस तरीके से हमारी ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है बायोफिट, ये हमारे नेटसअप कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में हमारे इस नेटसअप के इस बायोफिट प्रोडक्ट रेंज का होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोडक्ट के बारे में डीपली यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो आप सभी नेटसअप के डायरेक्ट सेलर इस ट्रेनिंग में आए हैं और मैं इंदौर रीजन का रीजनल मैनेजर विशाल बेरे आप सभी का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। तो आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे जो बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है ये अभी पूरी तरीके से रिवैम्प हो चुकी है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है ये प्रोडक्ट हमने 2001 में हमने इसे लॉन्च किए थे, यानी कि ये प्रोडक्ट लगातार 19 साल से मार्केट में है। लेकिन समय के चलते इन प्रोडक्ट्स में भी कंपनी अलग अलग बदलाव करते रहती है। तो यहाँ पर हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इस साल नए स्वरूप में नए अंदाज में ये सभी प्रोडक्ट जो है ये आपके सामने आएंगे और भी ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में हमारे हो चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट्स नए प्रोडक्ट्स कैसे हमने क्यों चेंज किए उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन जो है इसको मैं शेयर करता हूं। नया बायोफिट का नया लुक आपके सामने पेश है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपने पीपीटी शायद देखा भी होगा और कहीं पे सुना भी होगा कि ये रिवैम्प क्या है, यानी कि रिवैम्प मतलब क्या। रिवैम्प मतलब क्या है कि नया बदलाव, यानी कि बदलाव जो है ये नेटसअप कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर अच्छे बदलाव करती है। और ये जो बदलाव होते हैं ये समय आने पर नहीं करती, ये समय के पहले ही अच्छे बदलाव अभी हम नेटसअप कंपनी करती है। तो यहाँ पर हमने ये रिवैम ये अच्छे बदलाव हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्यों किए उसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अभी जितने भी हमारे बायोफिट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अभी हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मतलब अभी अगर देखा जाए तो हमारे बायोफिट के ये जो सभी प्रोडक्ट्स है ये सभी हमारे प्रोडक्ट जो है ये 100% हर्बल है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो इसके अंदर हमने जो नई टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नया टेक्नोलॉजी आया है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे नए बदलाव आए हुए हैं। तो ऐसे जबरदस्त बदलाव जो आज की तारीख में न्यू टेक्नोलॉजी में अपडेट हुए वो सारे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की तारीख में हम हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं। नए बदलाव जो है हम हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं। उसी के साथ
हम जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी जो इफिशियंसी है, उसके जो रिजल्ट्स है, वो यहाँ पर हम जबरदस्त तरीके से जो है वो बढ़ने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बढ़ने चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे एनहांसमेंट है, बहुत सारे नए कंटेंट्स का एडिशन हम हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो रिजल्ट हमारे नेटसब कंपनी के जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है वो तो बहुत जबरदस्त आते हैं, लेकिन वो जो रिजल्ट है और बेहतर तरीके से आए उसके लिए भी हम जबरदस्त एनहांसमेंट जो है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के साथ नए फीचर्स और नए बेनिफिट्स भी हम हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। नए फीचर्स मतलब क्या कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर नए कंटेंट हो गए, उसी के साथ नए टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन उसी के साथ जो न्यू पैकेजिंग है उसी तरीके से इस प्रोडक्ट की जो यानी कि उसकी यहाँ पर एक्सपायरी जो है वो ज्यादा समय तक कैसे नहीं हो उसके ऊपर भी नेटसब कंपनी ने काम किया है। इसके जो इफिशियंसी है उसी के साथ जो नए फीचर्स है वो जबरदस्त तरीके से हमने इसके अंदर ऐड किए हुए। और कई बार हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है वो आगे पीछे होते हैं, यानी कि 19-20 होते हैं, लेकिन वो 100% कैसे लेके जाए, उसकी इफिशियंसी के साथ साथ वो जो कुछ रिजल्ट्स जो है आगे पीछे होते हैं उसको भी 100% रिजल्ट में उसका कन्वर्जन कैसे हो, इस तरीके से ये नया रिवैम्प जो है किया गया है। उसी के साथ आप अगर देखेंगे तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका जो लुक है वो पूरी तरीके से जो नई पेट बॉटल आई है ना, उसके अंदर हमने इसका नया पैकेजिंग फ्रेश लुक आज की तारीख में लुक के ऊपर पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारी कंपनियां बहुत जबरदस्त तरीके से खर्चा करती है, तो नेटसब कंपनी ने भी यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने नए पैकेजिंग के साथ हमारे बायोफिट का पूरा प्रोडक्ट रेंज आज की तारीख में आ रहा है, पेट बॉटल के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर जो लीकेज का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर बॉटल फटने का प्रॉब्लम था, उसके ढक्कन का कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाते थे, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आगे से नहीं आएंगे, इसके लिए ये नया पैकेजिंग जो है ये यहाँ पर हमने किया हुआ है। और ये सारा चेंज हमने इसलिए किया हुआ है कि उसकी वजह से 100% हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उन सभी का एक जबरदस्त तरीके से इनकम यहाँ पर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, हमारा पेआउट बढ़ेगा, उसके लिए हमने ये जबरदस्त बदलाव जो है ये रिवैम्प जो है ये अच्छा बदलाव जो है ये नेटसब कंपनी ने हमारे बायोफिट के प्रोडक्ट रेंज के अंदर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम हमारे जितने भी बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है उसके बारे में हम बारीकी से यहाँ पर जानकारी लेंगे और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल भी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, तो आप अगर कहेंगे तो इसको हम थोड़ा सा डीपली भी हम इसको लेके जाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, देखो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला अगर आप समझ लेते हैं, तो आप वो पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी हम क्या है, हम थोड़ा बेसिक फॉर्मूला जो है हमारे खेती का, हमारे बायोफिट प्रोडक्ट का, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रोडक्ट समझने, हमारे जो बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है उसको तो हम समझेंगे, इस पूरे प्रोडक्ट रेंज को तो हम पूरी तरीके से डीपली समझेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है किस तरीके से उसके रिजल्ट आते हैं और किस तरीके से किस अवस्था में हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कहता हूं कि आपको बायोफिट में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके अपलाइन को या फिर आपके सीनियर्स को या फिर कंपनी में पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी हम सब लोग जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम बताते हैं कि हमारे बायोफिट के प्रोडक्ट जो है ये 100% हर्बल है, 100% ऑर्गेनिक है, हम सभी लोगों को बताते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि जैविक हमारे सभी प्रोडक्ट है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, तो जैविक का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक तरीके से ये प्रोडक्ट की निर्मिति की गई है। अभी प्राकृतिक तरीके से मतलब क्या, नैसर्गिक तरीके से मतलब क्या, यानी कि ये जैविक टेक्नोलॉजी यानी कि जैव तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नेचुरल कंटेंट
मतलब जो प्रकृति में नैसर्गिक तरीके से जो कंटेंट अवेलेबल है उन सभी कंटेंट का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट की निर्मित की गई है, इसलिए इस सभी प्रोडक्ट को हम जैविक प्रोडक्ट कहते हैं। अभी जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फायदा क्या है फिर? जैविक प्रोडक्ट जो होते हैं ये 100% जो होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। अभी आप बोलेंगे फिर इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली ये होता है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते या फिर किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाते। किसको? मनुष्य को, पर्यावरण को। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आती है, पानी हो गया, उसी के साथ हम पशु हो गए, उसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मित्र कीटक हो गए, हमारी फसल है। इस किसी भी तरीके का नुकसान इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से नहीं होता, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं ये इको फ्रेंडली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए आज की तारीख में नेटसब कंपनी जो है ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ये बनाती है, और ये सभी प्रोडक्ट जो है ये 100% यहां पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। तो अभी हम प्रोडक्ट्स की एक एक जानकारी लेने से पहले हम जो प्रोडक्ट है ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं? फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पौधे के लिए हम ये जो है ये हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो खर्चा है ये लगभग 15-20% तक कम हो जाएगा, और आपका उत्पाद जो है ये 25-40% तक आपका ये उत्पाद बढ़ जाएगा। ये हमारा ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये हम सभी किसान भाइयों को बताते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली होता कैसे इसको भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझने से पहले हम पहले फसल को समझ लेते हैं, है ना। तो फसल को समझना बहुत जरूरी है। फसल यानी कि क्रॉप्स, हर क्रॉप्स यानी कि जो भी वनस्पति है वो एक ही कैटेगरी की, मतलब एक ही तरीके से उसका जो लाइफ साइकिल होता है या फिर उसका जो फूड साइकिल होता है या फिर वो किस तरीके से खाना बनाती है वो तो हर एक का सेम ही रहता है, सिर्फ उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई अच्छी फसल जो है वो अपना खाना कैसे बनाती है। देखो ये बेसिक को थोड़ा सा समझेंगे, ये क्लास 4th में 5th में हमने पढ़ा हुआ है ना, ये बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी चीज है कि भाई कोई भी फसल जो है वो कैसे खाना बनाती है। देखो क्या होता है कि कोई भी फसल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन करती है ना, ऑक्सीजन को बाहर डालती है, और जो सन एनर्जी होती है यानी कि लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश जो होता है उससे प्रकाश संश्लेषण जो है वो करती है, जिसमें हमारे जो फसल होती है उसके पत्तों में हरित द्रव्य होता है, हरित लवके होती है, जो क्या करती है यहां पर खाना बनाने का काम करती है, बराबर। उसी के साथ यानी कि फसल को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए, यहां पर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इन करती है ना, ऑक्सीजन बाहर डालती है, लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये फसल के जो पत्ते में क्लोरोफिल होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश इनके माध्यम से जो फसल है ये खाना बनाती। लेकिन फसल और एक तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है, फसल को लगने वाला न्यूट्रिशन जो होता है वो जमीन के अंदर से फसल यहां पर लेती है, यानी कि यहां पर जमीन के अंदर से फसल जो होती है ये पानी एब्सॉर्ब करती है, और पानी के साथ साथ जमीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इसका भी एब्सॉर्प्शन जो है ये फसल करती है। ये सभी फसल के लागू, सभी फसल के लिए लागू है, सभी वनस्पतियों के लिए लागू है। तो ये है ये बेसिक जो फंडामेंटल है ये हमने यहां पर प्लांट्स का देख लिया। तो यहां पर हम अभी देखते हैं कि भाई फसल को ग्रो होना है यानी कि हमें क्या करना है, किसान को अच्छा उत्पाद निकाल के देना है, किसान को अच्छे रिजल्ट अगर देने हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर फसल को ये सारी चीजें टाइम पे मिल गई, सही मात्रा में मिल गई, तो क्या हो जाएगा, फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी।
तो उससे क्या होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका आउटपुट यानी कि उसका उत्पाद जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर किसान को मिलेगा। तो वो कैसे होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई फसल को ग्रोथ होने के लिए यानी कि उसको डेवलप होने के लिए, अच्छी फसल डेवलप होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बेसिक चीज है क्या है, सनलाइट, सूर्य प्रकाश हो गया, वाटर, पानी जमीन के अंदर से मिलता है, हम सिंचाई के माध्यम से देते हैं, बारिश का पानी भी मिलता है, उसी के साथ एयर, हवा, हवा की बहुत आवश्यकता होती है फसल को ग्रो करने के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर फसल जो है हवा में से CO2 जो होता है उसको एब्सॉर्ब करती है, जमीन के अंदर से मिनरल्स है ना, जमीन के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जमीन के अंदर, उसको एब्सॉर्ब करती है फसल, उसी के साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जमीन के अंदर होती है, उनको भी जो फसल है वो रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से एब्सॉर्ब करती है। और दो चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारी बॉडी यानी कि देखो हम भी सजीव है, वनस्पति भी सजीव है, तो यहां पर हर सजीव के अंदर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं है ना, उसी तरीके से प्लांट के, फसल के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे यहां पर हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है ये बहुत कम मात्रा में हर फसल में पाए जाते हैं। देखो हर फसल के अंदर हार्मोन्स होते हैं लेकिन उसकी मात्रा जो है ये काफी कम होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो हाइट है उसकी, जो हमारी हाइट को भी कंट्रोल किस वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, हमारे जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी और हार्मोन्स की कमी होती है, उसकी वजह से बालों का भी ग्रोथ जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है, बहुत सारी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो होती है ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि हमारे मसल्स है ना, उसको अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर अच्छे मसल, मजबूत मसल अगर बनाने हैं, जल्दी कम टाइम में बनाने, तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड नाम का हार्मोन्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हार्मोन्स आपके बॉडी में एक्सटर्नल तरीके से, हार्मोन्स अगर कोई भी बॉडी बिल्डर लेता है तो क्या होता है उसकी बॉडी अचानक से ग्रो करने लग जाती है, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मसल ग्रो करने लग जाते हैं। वैसे ही अगर हम हमारी फसल को भी ये हार्मोन्स जो होते हैं ये अगर हम एक्सटर्नल तरीके से हम अगर इसको देते हैं तो उसकी वजह से जो यहां पर हमारी जो फसल होती है उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो कम मात्रा में, लेकिन हम ये हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करके हम इसे ज्यादा मात्रा में बना के हम फसल को हम फिर से इसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फसल जो है ये अच्छी तरीके से और जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगी। उसी के साथ बायो स्टिमुलेंट्स की भी आवश्यकता यहां पर फसल को ग्रो होने में लगती है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है ये प्लांट ग्रोथ को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करती है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने लगभग यहां पर 7 से 8 ऐसे एलिमेंट्स है जो बेसिक एलिमेंट्स है जो कि फसल को ग्रो होने के लिए चाहिए। अभी हम ये देखेंगे कि क्या ये सारे एलिमेंट्स हम हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से दे सकते हैं क्या। देखो सनलाइट तो नेचुरल तरीके से मिलता है, हवा, पानी नेचुरल तरीके से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल तरीके से मिल जाता है, तो बचे कौन सी चीजें, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स, यानी कि हम इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। मार्केट में आप चले जाओ तो उसे PGR कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसे हम आसान भाषा में क्या कहते हैं, हम इसे टॉनिक कहते हैं, बराबर, टॉनिक कहते हैं जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हम टेक्निकल भाषा में प्लांट हार्मोन्स कहते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का शॉर्ट फॉर्म हो गया PGR। उसी की तरह बायो स्टिमुलेंट्स की भी आवश्यकता होती है। तो ये 5 से 6 एलिमेंट्स क्या हम हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से दे सकते हैं क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे ही हमने कुछ एलिमेंट्स देखे कि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। अभी हम ये देखेंगे कि भाई प्लांट को ग्रोथ होने में कौन लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर उसको ग्रोथ होने से कौन रोकता है, ऐसे कौन लोग है कि प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होने देते। एक सबसे बड़ी चीज होती है
प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी मतलब क्या, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि कोई बालक को हम अगर देखते हैं वो अगर दुबला पतला है तो क्या बोलते हैं, ये कुपोषित है क्या, यानी कि सही मात्रा में ये खाना नहीं खा रहा है क्या, सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम नेचुरल मोड में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमें पता है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो प्लांट न्यूट्रिशन वैसे बहुत जरूरी होता है, अगर सही मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिला, यानी कि सही मात्रा में उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं वो बाद में हम देखेंगे, उसके साथ मिनरल्स नहीं मिले, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स में हमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि विल्टिंग मतलब क्या होता है, प्लांट सूख जाता है, जो फसल होती है वो पीली हो जाती है, सूख जाती है ना, उसी के साथ जो जड़े हैं ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं, येलोइंग हो जाता है, काले हो जाते हैं, जो फसल है पूरी तरीके से मतलब आप कहेंगे कि उसके पत्ते की जो साइड की जो लाइन होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने लग जाती है। ये किसकी वजह से होता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से ये सारी चीजें होती है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूं,
ये दुश्मन है, इनसे अगर हमारी फसल को बचा लेते तो क्या हो जाएगा, हमारी फसल जो है ये अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रहेगी और अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ भी होगी। अभी कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमारे मित्र बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ शत्रु यानी कि दुश्मन बैक्टीरिया भी होते हैं, तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी जमीन के अंदर रहते हैं, सभी बैक्टीरिया दुश्मन नहीं होते। ओवर डोसेस वो हमारे हाथ में, भाई पानी का ओवर डोज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, फर्टिलाइजर उसका भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड का ओवर डोज ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी हमारी फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए और हमारी फसल को बचाने के लिए नेटसब के पास क्या ऑप्शन है, क्या प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम यहां पर अभी देखेंगे। क्या हम नेटसब के प्रोडक्ट के माध्यम से सही मिनरल्स दे सकते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंचा सकते हैं, प्लांट हार्मोन दे सकते हैं, बायोस्टिमुलेंट दे सकते हैं, उसी के साथ हमारी फसल को इंसेक्ट या पेस्ट से बचा सकते हैं, डिसीजेस से बचा सकते हैं क्या हमारे नेटसब के प्रोडक्ट के माध्यम से? तो 100% ये कर सकते हैं। और ये सारा तरीका हम नेचुरल तरीके से किसी भी तरह का हमारी फसल को, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना होते हुए हम ये दोनों चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा नेटसब कंपनी के बायोफिट प्रोडक्ट रेंज का पहला प्रोडक्ट जो कि है हमारा यहां पर जबरदस्त प्रोडक्ट, वो है स्टीमरिज। स्टीमरिज के बारे में हम यहां पर जानकारी लेंगे। अभी मैंने बताया कि ये रिवैम्प हुआ स्टीमरिज है, नया स्टीमरिज, जबरदस्त स्टीमरिज। अभी आप बोलेंगे कि सर पहला स्टीमरिज तो बहुत जबरदस्त था, अभी ये नए स्टीमरिज में क्या जबरदस्त तरीके से ऐड किया है? देखो पहला ही लाइन लिखा है कि एडेड हाईली पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड बायोस्टिमुलेंट्स, है ना। अभी आप बोलेंगे कि सर ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट आप बार-बार क्यों बोल रहे हो, है ना। देखो ये हमारे नए प्रोडक्ट्स में ऐड किया हुआ है, पहले भी था लेकिन अभी और जबरदस्त तरीके से और नए नए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हैं। मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था कि हमारी प्लांट को ग्रोथ होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और ये हार्मोन्स होते हैं ये फसल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, अंदर होते लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है ना। अगर इनकी मात्रा अगर बढ़ानी है तो क्या किया जाता है कि इनको उसमें से निकाला जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसको बोतल में पैक करके इसको फिर से छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो है ये इंस्टेंट इफेक्ट देने का काम करता है। नेचुरल प्रोसेस है, पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है। तो ये अलग अलग फसल में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने जबरदस्त तरीके से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, उसी के अंदर फाइटो हार्मोन्स ऐड किए हुए हैं जिसे हम बायो स्टिमुलेंट्स कहते हैं, उसी के साथ इसकी इफिशियंसी एनहांस की गई है, यानी कि जो हमारा इसके अंदर जितने कंटेंट हमने डाले, जितना भी हमने रॉ मटेरियल डाला है उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। देखो क्या होता है कई बार इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट तो बहुत अच्छे तरीके से होते लेकिन उस हर एक कंटेंट का इफेक्टिवनेस उतना बढ़िया नहीं होता है। उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए नेटसब कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी कंटेंट है उन सभी कंटेंट का 100% इफिशियंसी बढ़े उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और आप जैसे ही स्टीमरिज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी फसल है उसकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये डिसीज के खिलाफ, ये वायरस के खिलाफ, ये बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए काबिल रहेगा। इसके ऊपर अटैक भी हुआ तो भी फसल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। मैंने जैसे बताया कि ये दुश्मन का अटैक भी होगा, कौन सा, बैक्टीरिया का अटैक, वायरस का अटैक, फंगस का अटैक भी हुआ तो भी हमारी फसल की रोग प्रतिकार क्षमता इतनी जबरदस्त रहेगी जिसकी वजह से फसल जो है ये अच्छी तरीके से उसके अगेंस्ट
ये काम कर पाएगी। उसी के साथ स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी, हम इसके अंदर ऐसे कंटेंट डाले गए हैं जिसकी वजह से हमारी फसल स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी कर पाएगी। आप बोलेंगे कि स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब क्या? कई बार क्या होता है, पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, मतलब पिछले साल आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त बारिश हुई और उसके पिछले साल आपने देखा कि बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है। मतलब एक तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर पानी बहुत कम मात्रा में, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है और उस स्ट्रेस कंडीशन में जो फसल है ये सर्वाइव नहीं कर पाती, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। आप अगर स्टीमब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर के जो कंटेंट है इस तरीके से इफेक्टिवनेस जताते हैं कि वहां पर वो स्ट्रेस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस दिखा सकती है, वो वहां पर खड़ी रह सकती है आपकी फसल। उसी के साथ फसल के अंदर यहाँ पर इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिकार क्षमता भी यहाँ पर स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा स्टीमब्रिज जो है ये जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो ये नया जो है, ये नए स्टीमब्रिज के नए बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अभी ये स्टीमब्रिज जो है ये कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो स्टीमब्रिज है ये कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज एडिशनल आपको बताना चाहूंगा कि मैं कब से एक चीज बता रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं। कई बार हमारे किसान भाई हमारे डायरेक्ट सेलर को क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके अंदर कंटेंट क्या है, स्टीमब्रिज के अंदर के कंटेंट बताओ। पूछते हैं कि नहीं पूछते? 100% कई बार 100 में से एक दो किसान पूछते हैं। तो आप उन लोगों को एक अच्छा सा सवाल जो ये आता है उसका जवाब भी दे सकते हैं कि सर हमारा जो स्टीमब्रिज है उसके अंदर हमारे कंपनी ने अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि PGR और बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये कौन से है ये हम उनको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन आज मैं आपके सामने इसका एक इस लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं कि इस तरीके के बायोस्टिमुलेंट्स हमने इस्तेमाल किए हुए, इसमें से कुछ बायोस्टिमुलेंट और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने डाले हुए हैं। ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं लेकिन अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर अवेलेबल है। अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मेनली चार कैटेगरी, कौन से? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबलेरिन, जिबलेरिन और फ्लोरिजिन, ये चार अलग अलग प्लांट PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट कौन से? ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोस्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। और इसका यूनिक कॉम्बिनेशन स्टीमब्रिज के अंदर है। अभी मैं आपके सामने और एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में आप अगर टॉनिक लेने को जाते हैं ना तो आपको जिब्रेलिन अलग मिलता है, ह्यूमिक अलग मिलता है, फोलिक अलग मिलता है, एंजाइम्स अलग मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग टॉनिक के अंदर ये अलग अलग रहते हैं। मतलब आप अगर कोई भी दुकानदार के पास चले जाओ तो आपको सिर्फ ह्यूमिक उठा के दे देगा, वो बोलेगा ह्यूमिक एसिड दो, ह्यूमिक की बोतल दे दी, है ना। आप बोलेंगे जिब्रेलिन चाहिए, जिब्रेलिन ना। लेकिन नेटसब ने नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया। मतलब ये लगभग 15 से 16 एलिमेंट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के एक वर्ल्ड क्लास स्टीमब्रिज यहां पर बनाया हुआ है। इस तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन आप एक काम करो, ये सारे लिस्ट आउट कर लो और मार्केट में चले जाओ। बहुत सारे किसान मुझे पूछते हैं कि सर स्टीमब्रिज थोड़ा सा महंगा है क्या, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन आप इनके सारे की लिस्टिंग कर लो और मार्केट में चले जाओ और उनको बोलो कि मुझे एक ही बॉटल में ये सारे कंटेंट चाहिए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन नेटसब ने इसका यूनिक कॉम्बिनेशन बना के एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ये स्टीमब्रिज यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बायोस्टिमुलेट कौन से है? यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, मतलब हम इसे समुद्र के अंदर जो अलगी यानी कि सैवाल जो मिलता है उसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और फ्लोरिजिन, ये
फसल के अलग अलग अवस्था में इनका अलग अलग रोल है, ये भी मैं आपको अलग अलग अवस्था जब बताऊंगा तब आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये जबरदस्त तरीके से यूनिकॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है और कौन से अवस्था में स्टीम रिच को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे हम बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड जर्मिनेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप बहुत सारे किसान भाई जो है, अभी हमारा एग्रीकल्चर का सीजन स्टार्ट हो चुका है, 25 मई से हमारा खरीफ का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे किसान भाई ऑलरेडी जो है बीज जो है ये बोनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर देखते हैं कपास की बोनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो 25 मई से लगभग हमारा ये खरीफ का सीजन जो है ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम बीज उपचार कर सकते हैं क्या हमारी फसल, हमारी जो बीज है उसको? हाँ बिल्कुल 100% स्टीम रिच के साथ आप कोई भी बीज को उपचारित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% बीज उपचारित कर सकते हैं। लेकिन जिस फसल की, जिस बीज जो है उसके जो ऊपर का कवरिंग है, कोटिंग है ना, छिलका जो होता है वो अगर बहुत पतला है तो उसके लिए अलग तरीके से उसका स्टीम रिच का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप अगर बीज उपचार करते हैं, मतलब 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml, 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml स्टीम रिच डाल के आप बीज के ऊपर छिड़काव करते हैं, बीज के ऊपर बारीक छिड़काव, मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा गीला करना है, और 10 से 15 मिनट तक उसको आप छांव में रखने रहने दो, क्योंकि वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा पानी के साथ स्टीम रिच को वो बीज। फिर जाके आप उसको सीड ड्रिल में डालो या फिर आप डायरेक्ट इसकी बोनी करो। ये करने से, स्टीम रिच के साथ बीज उपचार करने से, जहां पर आपका जर्मिनेशन 60-70% होने वाला था, वही बीज उपचार करने के बाद 90-95% तक यहां पर अंकुरण होता है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? यहां पर इसके पीछे का थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन मैं आपको यहां पर बताने जाऊंगा। ये सीड है, ये बीज का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी बीज जो होती है इसके 3 अंग होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट बाहर का, उसके बाद यहां पर देखते हैं कि ये बाहर का स्ट्रक्चर है, उसके बाद अंदर है फूड स्टोरेज, यानी कि जो बीज होती है उसके अंदर उसका खाना रहता है, और रहता है एक एम्ब्रियो, यानी कि यहां पर रहता है गर्भ। कोई भी नॉर्मल बीज का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। तो अभी यहां पर हम अगर देखते हैं, हम जो किसान भाई जो होते हैं, जो बीज हम बोनी करते हैं तो वो कितने दिन पुरानी होती है? लगभग 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल, इतनी पुरानी बीज आप कंपनी से लो या फिर कहीं से भी लो, खुद की यूज करो, खुद के खेती बीज इस्तेमाल करो, ये लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना पुरानी बीज होती है। फिर भी आपने कभी सोचा है कि यार ये 1 साल 1.5 साल बीज पुरानी होती है, पैकिंग की भी बीज होती है वो भी 1 साल 1.5 साल 6 महीना पुरानी होती है, 18 महीने तक पुरानी होती है, फिर भी आप जब उसको जमीन के अंदर डालते हैं तो उसमें से अंकुरण कैसे क्या हो जाता है, आपने कभी सोचा? इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि जब हम इस बीज को स्टोरेज करते हैं तो ये बीज जो होती है ये सुप्त अवस्था में चली जाती है, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसे, कोमा में चली जाती है ना, इसका मतलब वो मर गई क्या? नहीं, वो जीवित है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंसी स्टेज कहते हैं उसको, साइंटिफिक नेम अगर कहा जाए तो डॉर्मेंसी स्टेज में चली जाती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है, जो गर्भ है सुप्त अवस्था में जीवित है, लेकिन उसको खाना कहां से मिल रहा है? उसके अंदर जो फूड स्टोरेज है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स इसके अंदर ऑलरेडी है, उसके ऊपर क्या है ये, यहां पर ये जो गर्भ है ये जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही इस बीज को जमीन के अंदर डालते हैं, इसको सही मात्रा में पानी, हवा और थोड़ा सा न्यूट्रिशन के साथ इसका जब मॉइस्चर इसको मिलता है, हवा मिलती है, तो ये अंकुरित हो जाता है, इसमें से जो है ये पौधा बाहर निकलने लग जाता है। तो ये हो गया इसके पीछे का साइंटिफिक जो है ये प्रोसेस। लेकिन ये स्टीम रिच के साथ
बीज उपचार करने से ये 90-95% तक क्यों हो जाता है, और फिर अगर स्टीम रीच इतना भारी है तो 100% क्यों नहीं होता है, इसका भी क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन मैं बताऊंगा। जब हम स्टीम रीच के साथ हम इसका बीज उपचार करते हैं तो स्टीम रीच के अंदर जो कंटेंट है वो क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। मतलब देखो एंजाइम, बायो स्टिमुलेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सारे का यूनिक कॉम्बिनेशन उस जो यहां पर जो बीज होती है उसको यहां पर स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, उस गर्भ को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से उसमें से लगभग 90-95 बीज का, 100-95 बीज का अंकुरण होता है। लेकिन 5 बीज ऐसी होती है, मतलब रेशो बता रहा हूं, 5% बीज ऐसी होती है कि उसमें से जो गर्भ है ये पूरी तरीके से मर गया है, जिसकी वजह से वहां पर अंकुरण नहीं हो पाता। तो यहां पर जो रेगुलर सीड होती है आप सिर्फ उसको पानी के साथ और हवा के साथ संपर्क आने से आप कोई भी फसल, आप कोई भी बीज है उसका पाउच अगर आप लेते हैं, मतलब कॉटन का ले लो, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका जर्मिनेशन रेशो जो है ये 70-80% रहेगा, ये उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है। लेकिन ये जब स्टीम रीच के साथ जब इसका कॉन्टेक्ट होता है बीज के, तो इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है साइटोकाइनिन और फोलिक एसिड, यूमिक एसिड, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि जो एम्ब्रियो पूरी तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है उसमें से उसको बाहर निकालने का काम ये स्टीम रिच के अंदर के कंटेन करते हैं। इसकी वजह से बीज उपचार करने से 90-95% तक का अंकुरण यहां पर होता है। ये यहां का साइंटिफिक रीजन मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश यहां पर की है। तो यहां पर हमें बीज उपचार क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए वो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की। उसी के साथ जो पहला छिड़काव जो है स्टीम रिच का, ये लगभग 3-5 पत्ते का जब फसल हो जाती है तब करना बहुत जरूरी होता है ना। तो 3-5 पत्तों की फसल मतलब कब, लगभग 10-15 दिन की जैसे ही हमारी फसल हो जाती है तब हम अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। सबसे जरूरी चीज देखो, ये भी थोड़ा सा समझने जैसी बात है, 3-5 पत्तों की मतलब 10-15 दिन की फसल हो गई, तो उस वक्त अगर हम छिड़काव करते हैं तो एक जबरदस्त फायदा यहां पर होता है कि जो सफेद जड़ें होती है उनकी संख्या बढ़ती है। अभी सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधा सा क्वेश्चन है, हम किसान भाई को बोल देते हैं कि भाई 10-15 दिन के बाद छिड़काव करो, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, ओके वेरी गुड, तो बढ़ेगी तो क्या होगा। देखो कोई भी फसल में दो तरीके की जड़ होती है, एक होती है मेन जड़ जो कि सपोर्ट देने का काम करती है फसल को, दूसरी होती है सफेद जड़े जो कि फसल में से, मैंने ऑलरेडी बताया, मिनरल्स और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करके, देखो मिनरल्स और पानी और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने का काम, यानी कि वहां से इंटेक करने का, खींचने का काम जो है ये सफेद जड़े करती है। तो जैसे ही हम स्टीम रिच का छिड़काव करते हैं तो इसके अंदर का एक जबरदस्त कंटेंट जो है ये होता है ऑक्सिन। देखो लिखा है ऑक्सिन के यहाँ के जो प्रॉपर्टीज है नीचे लिखा है प्रमोट रूट इनिशिएशन, मतलब क्या कि रूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जैसे आप छिड़काव करते हो। तो यहां पर ऑक्सिन की वजह से क्या होता है, यहां पर जो सफेद जड़े हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और आपकी जमीन के अंदर जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके है ना, आप बोलते हो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल को उठा के देने का काम करते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही फसल को पानी और न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में मिलने लग जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा यह होगा कि पत्तों की साइज बढ़ेगी, पत्तों में हरापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है यहां पर प्रकाश संश्लेषण, फिर से पहली स्लाइड पे जाते हैं, जब पत्ते की साइज बढ़ेगी तो इसके अंदर का क्लोरोफिल बढ़ेगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो ग्रीनरी आएगी और फसल जो है
और उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। ये पूरा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से है यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की। लगभग 15 से 20 दिन की फसल जैसे ही होती है तब अगर हम छिड़काव करते हैं तो सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी तो जमीन में से मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होंगे, फसल को मिलेंगे, उसकी वजह से पत्तों की साइज बड़ी होगी, उसकी ग्रोथ होगी और जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होगा। ये इसके पीछे का टेक्निकल मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसी के साथ हमारी फसल जैसे ही लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है ना, तो 20 से 25 दिन की जैसे ही हमारी फसल होती है उस वक्त अगर हम अगर यहाँ पर हमारा छिड़काव करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है यानी कि ब्रांचेस यानी कि टहनियां निकलने, टहनियां ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जितनी ज्यादा टहनियां जितनी ज्यादा ब्रांचेस जितना ज्यादा स्टेम जो ये मजबूत रहेगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर फूल और फल आएंगे क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत जरूरी होती है फूल धारणा के लिए और उसी का कन्वर्जन बाद में फल में होता है। तो उस वक्त अगर हम एक छिड़काव करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये जबरदस्त तरीके से होती है और जिब्रेलिन और ऑक्सिन और फ्लोराजिन तीन तरीके के जबरदस्त कंटेंट जो है ये उस वक्त बहुत काम आते हैं। उसी के साथ हमारे बायो स्टिमुलेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लावरिंग स्टेज, देखो पहला हमने क्या किया बीज उपचार कर लिया। आप इमेजिन करो कि आपने बीज को बीज उपचारित किया है 10 लीटर पानी में आपने लगभग 10 से 15 ml स्टीम रिच आपने डाल दिया, उसको बीज के साथ उपचारित करके उसको रख दिया और छांव में रख दिया 10-15 मिनट के बाद आपने उसकी बोनी कर दी है। उसके बाद जैसे ही हमारी फसल 10 से 15 दिन की हो गई है उस वक्त हमने स्टीम रिच का एक जबरदस्त छिड़काव किया। 15 लीटर के पानी में 15 ml हमने स्टीम रिच लिया और उसका हमने
जो कि इतना यूनिक कॉम्बिनेशन वाला भी नहीं मिलने वाला है, उसका खर्चा एक पंप का लगभग 40 से 45 रुपए पड़ता है। और हमारा स्टीम रिच जो है, आप कैलकुलेट कर लो, 1695 से भी कैलकुलेट करते हैं तो 25 रुपए के नीचे होता है, और डिस्काउंटेड प्राइस लोगे तो ये 15 से 16 रुपए के पंप के आसपास पड़ता है। तो मतलब देखो कि इतना जबरदस्त कम खर्चे में इतने जबरदस्त कंटेंट वाला स्टीम रिच, इतने जबरदस्त खतरनाक तरीके से नया मॉडिफाइड स्टीम रिच आपको मिलेगा, तो आप इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में मिलते थे, वो आपको विद इन 46 आवर्स, 3 से 4 दिन, 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से स्टीम रिच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम रिच मैंने बहुत डीपली समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि स्टीम रिच प्रोडक्ट जो है ये इसके ऊपर जो है बहुत सारा कंपैरिजन होता है। उसके साथ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायो 95, इसे हम बायो 99 जो है मार्केट में नया, हमारा नया मॉडिफाइड बायो 99, बायो 95 जो है ये आया हुआ है। अभी बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत सस्ते में लेते हैं, मतलब बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत लाइटली लेते हैं हमारे इस प्रोडक्ट को। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी डायरेक्ट सेलर है ना, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा, ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपको एश्योर्ड बिजनेस देने वाला प्रोडक्ट है 100%। कोई भी किसान के पास गए तो मैं ये कहता हूं कि बायो 95 उसको चिपका के ही आना है। क्यों, उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर इसको जाके क्या प्रमोट करते हैं कि बायो 95 उसके सामने बोतल रखते हैं और बोलते हैं कि ये चिपको है। अरे भैया, ये चिपको नहीं है, ये सिर्फ चिपको का काम नहीं करते। हाँ, वो किसान भी देखते हैं, हाँ चिपको है क्या, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं फिर। अरे ऐसा नहीं है, जो बायो 95 है इसके आप अगर उसके अलग अलग फंक्शन अगर आप समझ लेंगे तो आपको कहता हूं 100% ये सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला प्रोडक्ट है। कैसे, क्या बायो 95 ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग तरीके से, मैं वो समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो बायो 95 है ये बहुत जबरदस्त तरीके से सिलिकॉन बेस्ड है। अभी हमने नया फॉर्मुलेशन बनाया है, ये सिलिकॉन बेस्ड यहाँ पर हमारा ये जबरदस्त तरीके से बायो 99 बन के आया है। अभी ये क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, हमारा किसान भाई आप इमेजिन करो, है ना, थोड़ा इमेजिनेशन भी करते जाओ तो अच्छा रहता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पंप लेते हैं, 15 लीटर का पंप, 20 लीटर का पंप, उसके अंदर पानी डालते, मार्केट से कोई भी केमिकल दवा लाते, मतलब वो फंगिसाइड हो, वो मतलब चारा मार दवा हो या कीटकनाशक हो, कोई भी दवा लाते हैं, 15 लीटर के पंप या 20 लीटर के पंप में पानी भरते, उसमें दवा डालते और उसका छिड़काव चालू कर देते, है ना। अभी आप थोड़ा सा उसको अगर सही तरीके से देखेंगे, पानी और केमिकल, यानी कि जो मार्केट से आप कोई भी केमिकल लाते हो वो पानी के साथ पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, पहली चीज। दूसरी, आप कोई भी केमिकल का या फिर किसी भी चीज का इफेक्टिवनेस आपको बढ़ाना है तो आपको पानी जो है ये न्यूट्रल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पानी एक तो एसिडिक होता है या फिर अल्कलाइन होता है। बहुत सारे जो बोर होते हैं, बोर से जो सिंचाई करते हैं या फिर जो नहर से सिंचाई करते हैं या फिर जिनके खेत में कुआ होता है, उनका जो पानी होता है एक तो एसिडिक या अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल पानी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो बायो 95 है ये बहुत हद तक ये काम भी करता है कि यहाँ पर पानी का पीएच जो है इसको बैलेंस करने का भी काम बहुत हद तक करता है। उसी के साथ ये सरफेस टेंशन ब्रेक करता है, मतलब क्या, देखो पृष्ठभागीय तनाव, मतलब दोनों का जो केमिकल है और पानी है, ये दोनों का जो तनाव है इसका सरफेस टेंशन जो है ये अलग अलग है। ये सरफेस टेंशन एक ही है तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये सरफेस टेंशन अगर अलग अलग है, इसका जो प्रॉपर्टी है अलग अलग है, तो ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। केमिकल और पानी, यानी कि पेट्रोल और पानी, तेल और पानी पूरी तरीके से मिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन, पृष्ठभागीय तनाव जो है ये अलग अलग है। तो ये पूरी तरीके से मिक्स कब होगा, जब ये तनाव ब्रेक होगा। तो ये सिलिकॉन बेस हमारा बायो 95 इस तनाव को ब्रेक करके ये पूरी तरीके से इसको मिक्स करने का, घुलनशील करने का काम करता है। आप अभी अगर कोई भी किसान अगर इस मीटिंग में जुड़ा है तो मैं उनको बोलूंगा कि इस मीटिंग होने के बाद आपके घर में अगर कोई भी
केमिकल की बोतल कोई भी रखी है तो उसको आप ओपन करो, उसको देखो और उसके ऊपर क्या लिखा है पता है? उस बोतल के ऊपर लिखा है कि ये केमिकल कितने प्रतिशत तक घुलनशील है पानी के साथ, ये लिखा हुआ है। इसकी सोलिबिलिटी कितनी है वो लिखा हुआ है। वो कभी कभी लिखा होता है 70%, 80%, वहां पर कभी नहीं लिखा रहेगा कि 100% घुलनशील है, कभी नहीं लिखेंगे कंपनी वाले। ये यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो बायो 95 है ये केमिकल को और पानी को पूरी तरीके से मिक्स करने का काम करता है। उसी के साथ यहां पर आप ये किसी भी तरह के पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, चारा मार दवा सभी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहला काम क्या किया इसने, पीएच बैलेंस करने का, पानी का पीएच बैलेंस किया किसने, बायो 95 ने। दूसरा इसने क्या किया, पानी को और केमिकल को पूरी तरीके से मिक्स किया, जिसकी वजह से जो केमिकल है उसकी इफिशियंसी बढ़ी। आप जो केमिकल आप मार्केट से ला रहे हो उसका खर्चा कम होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम पानी और केमिकल अगर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा तो कुछ जगह पर पानी गिरेगा, कुछ जगह पर केमिकल गिरेगा, जहां से हमारा जो इंसेक्ट कंट्रोल करना था, जिस शत्रु को हमें मारना था, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा और किसान भाई फिर से छिड़काव करेगा, जिसकी वजह से उसका खर्चा जो है ये फिर से बढ़ेगा। तो यहां पर दूसरा काम क्या किया इसने, पानी और केमिकल को मिक्स करने का काम किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये यहां पर स्प्रेडर का काम करता है। मतलब क्या, आप यहां पर देखो फर्स्ट इमेज में आपको देख रहा है कि आप अगर बायो 95 इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको फसल के ऊपर ऐसे छीटे, मतलब वहां पर छीटे दिखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे पानी के बूंदे दिखेंगे। लेकिन आप अगर बायो 95 अगर इस्तेमाल करते हैं, बायो 99 इस्तेमाल करते हैं हमारा नेटसप का, तो ये यूनिफॉर्म स्प्रेड कर देगा पूरी तरीके से फसल के ऊपर, इसका स्प्रेड अप हो जाएगा और फसल के अंदरूनी हिस्से तक, फसल के पत्ते के पिछले हिस्से तक इस केमिकल दवा को पहुंचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पत्ते होते हैं फसल के, उसके ऊपर बारीक छिद्र होते हैं और ये छिद्र एक द्वारपाल कंट्रोल करता है जिसका नाम होता है स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का जो फंक्शन है ये भी बायो 95 कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं और जो फसल के ऊपर अलग अलग स्पोर्स होते हैं उसको ओपन होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल का जो इफेक्ट है ये पूरी तरीके से पूरे फसल के ऊपर आता है और जो कीटक है या फिर जिस चीज के लिए आपने केमिकल का इस्तेमाल किया है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है, उसकी इफिशियंसी यहां पर बढ़ती है और उसका इफेक्ट पूरे फसल के ऊपर यहां पर पहुंचता है। क्योंकि जो कीटक होते हैं ये पत्ते के ऊपरी हिस्से में कभी नहीं होते हैं, निचले हिस्से में होते हैं। हमारे जो मजदूर होते हैं वो तो ऊपर छिड़काव कर जाते हैं, लेकिन जो कीटक है ये निचले हिस्से में रहते हैं। तो केमिकल को नीचे तक पहुंचाने का काम, अंतर प्रवाही बनाने का काम ये बायो 95 करता है। उसी के साथ ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्यों? जैसे कि अभी मई महीना चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा तेज धूप है, 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, तो उससे भी फसल को यहां पर जो यूवी रेज है उससे बचाने का काम, प्रोटेक्शन का काम भी यहां पर स्टीमरीज, यहां पर बायो 95 जो है ये करता है। तो यहां पर बायो 95 के रोल्स जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से है। और आप इसको चारा मार दवा में इस्तेमाल करो, आप फंगीसाइड में इस्तेमाल करो, आप अलग अलग इंसेक्टिसाइड में इस्तेमाल करो, यानी कि किसान भाई जब जब पंप को हाथ लगाएगा तो उस पंप के अंदर 15 लीटर में 5 ml उसको क्या डालना है, बायो 95 या फिर भैया नया वाला बायो 99 डालना है। जिसके होगा क्या, उसका जहां पर 3 या 4 छिड़काव होने वाले थे केमिकल के, वो सिर्फ 1 या 2 हो गए, जिसकी वजह से उसका खर्चा कम होगा और हमारे किसान भाई का फायदा होगा। तो यहां पर अगर आप सभी डायरेक्ट सेलर हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसान के पास आप गए और उसने आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया तो आप उसके यहां से खाली हाथ नहीं आओगे। उसको कम से कम कौन सा प्रोडक्ट देके आओगे, बायो 95। तू मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, लेकिन मेरा बायो 95 तो तुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही बोलो, जिससे क्या होगा आपका टर्नओवर बढ़ेगा भाई लोग, क्योंकि ये प्रोडक्ट उसके बहुत काम का है। लेकिन यहां पर हम बहुत बार इग्नोर कर देते,
या फिर उसने बोल दिया यार नहीं मुझे नहीं करना है ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट, हम वहां से निकल आते, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं करना है। बायो 95 बेच के ही आना है, ये हमारा डेंटल पेस्ट है समझ लो, है ना, क्योंकि आप गए तो घर में डेंटल पेस्ट बेच के आते, डीडी नहीं निकला तो भी पेस्ट बेच के ही आते, तो वैसे ही हमारा बायो 95 किसान के पास गए, क्योंकि आप लिखो ना उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और कितना इस्तेमाल कितना करना है भाई साहब। 15 लीटर में सिर्फ 5 ml, 5 ml जब आप किसान को बताओगे तो वो भी बोलेगा हाँ ठीक है चलो भाई ले लेते हैं, आप इतना बता रहे हो तो इस तरीके से उसका ये खर्चा कम करने का काम ये बायो 95 करेगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमने देखे, स्टीम रिच और बायो 95। स्टीम रिच और बायो 95 हमारे प्रोडक्ट के साथ, जितने भी प्रोडक्ट है उसके साथ भी आप बायो 95 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिसमें लिखा है मैंने कि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। बोलते जी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, आप थम करके बता सकते हैं। ओके वेरी गुड, मतलब क्या है मैं बोलते जाऊंगा फिर सुनाई कुछ नहीं देगा, ठीक है ओके वेरी गुड। तो यहां पर हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट होता क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों में तो थोड़ा दूर कर देते हैं। कोई भी फसल को ग्रोथ होने के लिए 14 अलग अलग तरीके के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी बॉडी को भी ग्रोथ होने के लिए क्या लगता है, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल को ग्रो होने के लिए भी कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ ज्यादा मात्रा में लगते हैं कुछ कम मात्रा में लगते हैं। ज्यादा मात्रा में जो लगते हैं उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और जो कम मात्रा में लगते हैं उसे माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या कम और मैक्रो मतलब ज्यादा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, एन पी के मैग्नीशियम कैल्शियम और सल्फर, ये ज्यादा मात्रा में लगते हैं है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, आयरन मैग्नेज बोरॉन जिंक कॉपर क्लोरीन निकेल मैलेबडेनम, ये भी फसल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है लेकिन ये कम मात्रा में लगते हैं है ना। तो यहां पर ये अगर 14 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर फसल को मिल गए तो फसल की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो यहां पर हमारे किसान भाई क्या ये न्यूट्रिएंट जो है ये जमीन में रहते हैं क्या और ये फसल ग्रो करने के लिए क्यों जरूरी है वो थोड़ा देखते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट जो है ये जमीन के अंदर ऑलरेडी ये कहां से मिलते हैं, जमीन के अंदर ही रहते हैं, हमारे जमीन के अंदर ये पहले से रहते थे लेकिन हमने केमिकल का इस्तेमाल कर करके ये नेचुरल तरीके से जमीन के अंदर बनने वाले ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं लेकिन इनको हमने केमिकल का इस्तेमाल कर करके इनको खत्म कर दिया है, नेचुरल तरीके से ये बनते ही नहीं। तो हमारे किसान भाई अभी क्या करते हैं, हमारे किसान भाई मार्केट में जाते हैं और बोरी उठा के लाते हैं, किसकी, यूरिया की बोरी, उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन यूरिया 46% एन नाइट्रोजन लिखा रहता है ना यूरिया की बोरी पे, 10-26-26 है ना रेशो रहता है बोरी के ऊपर, कि उसमें 10% जो है ये नाइट्रोजन है ना, उसके अंदर 26% फॉस्फरस है और 26% पोटासियम यानी कि है के है पोटास है, ऐसा उसके ऊपर रेशो लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूँ, कई बार हमारे जो कुछ हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो है ये सिटी में रहने वाले उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो बता देता हूँ। होता क्या है कि जो बोरी होती है वो होती है लगभग 50 kg की है ना, और उसके ऊपर लिखा रहता है एनपीके का रेशो। अभी ये जो रेशो होता है ये होता है 100 kg का, मतलब 100 kg का वो रेशो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आप 100 kg आप यानी कि दो बोरी जब आप डालोगे तब जाके वो आपको वो केजी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या, आपने अगर यूरिया की 50 kg की बोरी लाई और उसमें लिखा है कि 46% नाइट्रोजन है ना, तो उसमें से आपके खेत में नाइट्रोजन क्या उसमें से 46 kg मिलेगा क्या, नहीं, उसमें से सिर्फ 23 kg मिलेगा, कितना 23, 46 नहीं। एक बोरी में कितना लिखा है उन्होंने, परसेंटेज लिखा हुआ है ना 46 है ना, तो उसमें से कितना मिलेगा सिर्फ 23। जब हम दो बोरी डालेंगे तब 46% यानी कि 46 kg उसमें से मिलेगा। इसका मतलब क्या है
कि अगर हमने 100 केजी यूरिया अगर हमने हमारे खेत में डाला 100 केजी, तो उसमें से 46 केजी हमें मिलेगा N मतलब नाइट्रोजन, तो बाकी का बचा हुआ 54% क्या है, 54 केजी क्या है, वो ऐसा मटेरियल है कि जो हमारे जमीन को बिल्कुल काम का नहीं है, जमीन को पूरी तरीके से हार्ड बना रहा है, जमीन के अंदर जो नेचुरल तरीके से ये सारे न्यूट्रिशन बनते थे, केचुए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको खत्म करने का काम वो 54% जो है ये यूरिया का जो बाकी का जो मटेरियल है वो कर रहा है। तो आप सोचो हमारे किसान भाइयों ने आज तक हमारे जमीन के अंदर कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटाश डाला है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये पहले जमीन में नेचुरल तरीके से बनते थे, लेकिन ये हमने पूरी तरीके से केमिकल का इस्तेमाल कर करके, केमिकल का खाद इस्तेमाल करके पूरी तरीके से वाट लगा दी है। आप अगर देखेंगे कि जमीन जो है हार्ड होती जा रही है ना, आप देखेंगे कई कई जगह की जमीन जो है उसके ऊपर सफेद कलर का लेयर आने लग गया है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो परकुलेट ही नहीं हो रहा है, जो क्षार है जमीन के अंदर का वो ऊपर आ रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो रहा है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि जो किसान भाइयों की जमीन अच्छी कर सकता है और ये सफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो है ये हम फसल को दे सकते हैं क्या? तो कौन से हमारे प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से ये न्यूट्रिएंट मिलेगा? तो हमारे पास जमीन के अंदर से देने के लिए एनपीके, हमारे पास ये बैक्टीरिया है। अभी बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाता है कि सर हमारी ये एनपीके की बोतल यहाँ पर कितना प्रतिशत एन है, कितना प्रतिशत पी है, कितना प्रतिशत के है, पूछते हो गए, आपको भी पूछते हो गए है ना। इसमें ऐसा कोई प्रतिशत नहीं है, है ना, इसके अंदर नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया है। ये इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। इसके बॉटल के अंदर कोई परसेंटेज नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। अभी ये बैक्टीरिया है फिर तो इसको एनपीके क्यों कहते फिर? तो ये क्या काम करते हैं? देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो जमीन के अंदर काम करते हैं और जमीन को नेचुरल तरीके से एनपीके प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हवा में से जो एन होता है नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ जमीन के अंदर से बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर फसल को नेचुरल तरीके से एनपीके अवेलेबल देने का काम करके देते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है फिर? हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया है। ये पहली बार शायद आप ये इमेज देख रहे होंगे, मैं आपके सामने ये इमेज दिखा रहा हूं। ये अजोटोबैक्टर है, ये हमारे नाइट्रोजन यानी कि एन की जो बॉटल है इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। कौन सा? आपको कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमारे जो नाइट्रोजन की बॉटल है, एन की बॉटल है, उसके अंदर अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है कि जो जमीन के अंदर जाके जमीन में नेचुरल तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से और हवा में से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करके फसल को देने का काम ये बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया क्या है? ये अपना बहुत काम का बैक्टीरिया है। ये फसल के जमीन के अंदर रहता है, कुछ कुछ फसल के अंदर भी ये बैक्टीरिया रहता है, कुछ कुछ फसल के अंदर भी, उनके रूट्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है ये रहता है। ग्राउंड नट्स जो होती है उसकी जो जड़ें होती है उसके अंदर ये जो है ये अजोटोबैक्टर जो है ये रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? जमीन के अंदर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके फसल को देने का काम करता है। उसी के बाद जो पी है यानी कि फॉस्फरस जो है उसके अंदर फॉस्फरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है। के अंदर कैल्शियम वाला बैक्टीरिया नहीं है, के मतलब पोटाश सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरी के इसके अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जमीन के अंदर जाके या फसल में से एनपीके और हवा में से एनपीके एब्सॉर्ब करके उस फसल में फसल को देने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। तो कई बार हमारे जो किसान भाई है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर रेशो क्या है, तो इसके अंदर कोई रेशो नहीं, लेकिन ये इस तरीके के बैक्टीरिया जमीन के अंदर अगर रहेंगे तो आप
आपको 4 साल के बाद 5 साल के बाद आपको केमिकल का यूटिलाइजेशन, केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इनकी तादाद इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी अगर 3-4 साल अगर लगातार आप अगर इसका इस्तेमाल करते रहोगे, गोबर खाद का इस्तेमाल इसके साथ थोड़ा बहुत करते रहोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3-4 साल के बाद आपको आपके खेत में किसी भी तरह का मार्केट से जो है एनपीके यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जमीन पहले जैसी मुलायम हो जाएगी, जमीन के अंदर एरिएशन अच्छी तरीके से होगा, जमीन के अंदर परकुलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होगा पानी का, तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी फसल को बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसको हम केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसके उसके पहले एक थोड़ा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेता हूं। यहां पर आपको सामने दिख रहा है कि इसके अंदर CFU 1 ml into 10^12 ऐसा कुछ तो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो है ना ये जो बॉटल है इसके अंदर बैक्टीरिया तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है पता है क्या, वो लिक्विड ये है कि वो जो बैक्टीरिया है उसका खाद है, यानी कि वो बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके अंदर वो उसका खाद उसके अंदर डाल के हमने पैक करके उस बैक्टीरिया को दिया है। खाली बोतल में सिर्फ बैक्टीरिया भर के दे देते तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो वो जो है उसके अंदर हमने उसका खाना पैक करके उसको दे दिया है और उसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाल दिया और उसका मल्टीप्लीकेशन होते रहता है। तो उसमें से 1 ml अगर आप निकालते हो और लैबोरेटरी में अगर टेस्ट करते हो तो आपको दिखेगा कि 1 ml में 1 ml में 10^12 इतने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है, इतने सक्षम बैक्टीरिया है कि जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी मार्केट में भी बहुत सारा लिक्विड बैक्टीरिया आता है 100%, लेकिन उसका कंपैरिजन आप अगर हमारे बैक्टीरिया से करोगे तो उसमें ये देखो कि इसमें 1 ml में कितने बैक्टीरिया है, उसको पूछो कि भैया 1 ml में कितने बैक्टीरिया है, 10^12 है या 10^8 है या 10^6 है, और उसकी प्योरिटी कितनी है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बॉटल होती है ना इसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी घुस जाते हैं, मतलब क्या है बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। तो कई बार जो आप मार्केट से जो एनपीके लाते हैं उसमें कॉन्टेमिनेशन होता है, कर सकते हैं। और किसान भाइयों को अगर इसका लगातार इस्तेमाल करके केमिकल का खर्चा अगर आपको कम करना है केमिकल खाद का, तो क्या करना है, जहां पर हम 2 बोरी का इस्तेमाल कर रहे थे तो पहले साल क्या करना है उसको वहां पर 7-8 बोरी इस्तेमाल करो और एनपीके के 2 सेट का इस्तेमाल करो, फिर अगले साल 6-7 बोरी इस्तेमाल करो, मतलब मार्केट का जो आप केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं, फिर 4-5 बोरी, फिर 2-3, फिर 1 बोरी, फिर 0 pound। ये प्रोसेस है 3-4 साल का। अभी हमारे किसान भाई के पास हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जाते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो सर, आधा यूरिया डीएपी डालो और आधा हमारा डालो। देखो अगर उसकी जमीन के अंदर सही, अगर उसके अंदर पोषक तत्व है, उसके खेत में वो अगर गोबर खाद इस्तेमाल कर रहा है या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों का उसने इस्तेमाल किया है, केचुओं की खाद का इस्तेमाल किया है, उसके खेत में केचुए, तो 100% वो 50% पे पहले साल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर हर एक किसान को ऐसा बोलेंगे तो उसका तुरंत इंपैक्ट उसके फसल के ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि फसल को अभी रेडीमेड चाहिए ना कुछ ना कुछ, जमीन के अंदर तो जीरो है, तो वो तो नेचुरल तरीके से अभी तो जमीन के अंदर बन ही नहीं सकता ना, तो नेचुरल तरीके से बनने के लिए तो अभी टाइम लगेगा, उसके लिए 3-4 साल का पीरियड लगेगा, तब जाके वो 100% केमिकल खाद नहीं डालेगा। लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो थोड़ा बहुत अभी हम डाल सकते हैं, तो धीरे धीरे हम 4 साल का इसको प्रोसेस को पकड़ते हैं, तो जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे कम करते जाओ और धीरे धीरे हमारा एनपीके बढ़ाते जाओ, 4 साल के बाद खेत में
एक बोरी भी डीएपी यूरिया मत डालो, 100% उससे ज्यादा फसल, ज्यादा उत्पाद उस किसान भाई का आएगा, यह हम गारंटी के तौर पे कह सकते हैं। उसका जो केमिकल खाद का खर्चा है वो जीरो पे आ सकता है, लेकिन पहले ही साल आएगा क्या? नहीं, ये उसको समझाना है और वो भी समझेगा, क्योंकि उस जमीन को भी आदत हो चुकी है। एकदम से उसकी नशा अगर बंद कर दोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसान भाइयों को समझा सकते हैं। अभी इसको हम देख कैसे देख सकते हैं। बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि सर क्या एनपीके हम छिड़काव में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, एनपीके को छिड़काव में नहीं देना है। दूसरा, एनपीके जब आप तीनों बोतल को मिक्स करके दे सकते हैं क्या? 100% तीनों बोतल को मिक्स करके दे सकते हैं। जमीन के अंदर नमी होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर के बैक्टीरिया को अगर जीवित रहना है, उसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको नमी होना जरूरी है। आप अगर खाली खेत में अगर उसको पानी नहीं वहां पर अगर सिर्फ डाल दिया तो क्या हो जाएगा? वहां पर उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जमीन के अंदर नमी है तो वहां पर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन 100% होगा। तो यहां पर हम इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको आप ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं क्या? नोजल जो होता है उसको खोल के, जड़ों के पास नोजल खोल के भी उसको ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। उसी के साथ हम 250 लीटर की टंकी में यहां पर एक जो है एक सेट जो पूरा एनपीके का वो मिक्स करके पानी में, उसके अंदर हम छोटी जो सलाइन की नली होती है वो हम मेन जो बहाव है वहां पे जहां पर हम खुला पानी दे रहे हैं वहां पे मेन बहाव से अगर हम वहां पर वो थोड़ा थोड़ा भी वहां से या फिर उसको होल कर दिया तो वहां से वो खेत में वो पानी के साथ वो बैक्टीरिया जो है ये मिक्स होते रहेगा। इससे होगा क्या? हमारा उद्देश्य की है कि ये बैक्टीरिया नमी जमीन के अंदर रहनी चाहिए और ये हमारे खेत में ये बैक्टीरिया फैल जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फरस सोल्युबलाइजिंग और पोटास सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है ये उनका काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें अगर ड्रिंचिंग में देना है तो हम 15 लीटर के पंप में 15 से 20-30 ml तक हम इसको ले सकते हैं। एनपीके दोनों को मिक्स करो और 15 से 30 ml तक मिक्स करके नोजल खोल के हम इसको जड़ों के पास हम इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बैक्टीरिया हमने देखा एनपीके का, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं, शेत। अभी हमारे बहुत कम प्रोडक्ट बचे, 3-4 प्रोडक्ट बचे। थोड़ा सा मुझे भी पता है कि मैं डीपली लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और अभी 20 मिनट तक हमारा सेशन चलेगा। हमारा कंटिन्यू अभी करीब 1300 लोग जुड़े हुए हैं सर। ओके, नो इश्यू। मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा डीप हो रहा है, इसलिए मैंने कहा नहीं, अभी आज तक शायद नेट सर्फ में इतना डीप नॉलेज नहीं हुआ है सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो शेत जो प्रोडक्ट है ये लोडेड विद, नया जो शेत आपके सामने आएगा ये लोडेड विद बायो स्टिमुलेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ये मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है ये पहले ही क्यों क्लियर कर रहा था, मैंने इसलिए पहले ही लिखा है कि बायो स्टिमुलेंट लोडेड विद न्यू बायो स्टिमुलेंट्स। अभी बायो स्टिमुलेंट्स कौन से हैं? मैंने आपको बताया, यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन, जबरदस्त तरीके से ये कॉम्बिनेशन किया हुआ ये बैक्टीरिया, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि हमारा ये शेत प्रोडक्ट है। तो अभी इस शेत प्रोडक्ट के अंदर आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर बैक्टीरिया भी है क्या? हाँ, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन वाला बैक्टीरिया भी है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कर देने वाले बैक्टीरिया भी इसके अंदर डाले हुए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में यहाँ पर बताया था कि फसल को ग्रोथ होने के लिए किस टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर चाहिए, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल, मॉलिब्डेनम, इसकी भी आवश्यकता है। तो ये कहां से मिलेंगे? तो ये हमने हमारा जो ये शेक नया लुक वाला जबरदस्त प्रोडक्ट, मैं ये कहूंगा कि स्टीमरिज के बराबर का ये प्रोडक्ट है। अभी तो ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसके जो फंक्शन है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये फास्टर रिजल्ट के लिए, फास्टर ग्रोथ के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, आप अगर आपको जबरदस्त रिजल्ट लेना है तो आप एक ही चीज करो, स्टीमरिज बायो 95 और शेत जो नया आएगा
उसका आप छिड़काव करो। मैं आपको कहता हूं कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट आपको यहां पर देखने को यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर एक जबरदस्त तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहां पर हमने जो बनाए हुए हैं। तो यहां पर हमारा एक सेकंड, हेलो, यहां पर जो हमारा क्षेत्र जो प्रोडक्ट है ये यहां पर जो है ये ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल तो बढ़ाएगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी तो बढ़ाएगा जमीन के अंदर, लेकिन जमीन के अंदर जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की उसको भी बढ़ाने का काम यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर के जो कंटेंट है ये करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अगर देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है उसकी जो पोरेसिटी यानी कि उसके अंदर जो परक्यूलेशन होता है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सुधारने में ये प्रोडक्ट जो है ये काम करेगा। उसी के साथ इसके अंदर के जो केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, देखो जो मिट्टी होती है ये अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन से बनी है, उसकी भी जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट करता है। और उसी के साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पर उसकी भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है इस प्रोडक्ट की वजह से होगी। यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ये हम जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं और हम इसको छिड़काव के अंदर से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बायो स्टिमुलेंट जो है ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस, देखो स्ट्रेस रेजिस्टेंस में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जब फसल को ज्यादा मात्रा में पानी मिल जाएगा तब जो फसल है पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाती, या फिर पानी नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में भी हमारी जो फसल है ये पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट खड़ी रह पाए स्ट्रेस कंडीशन में, यहां पर ये प्रोडक्ट जो है जबरदस्त तरीके से काम करेगा अगर हम इसका छिड़काव करते हैं। तो यहां पर हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी फसल को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देने वाले बैक्टीरिया भी हमने यहां पर डाले हैं। तो ये एनपीके और शेद ये दोनों प्रोडक्ट का आप कॉम्बिनेशन करके यूज कर सकते हैं क्या? हाँ 100% हम कर सकते हैं। तो यहां पर जो है जमीन के अंदर से आप एनपीके की तीनों बोतल को मिक्स करो और शेद को भी मिक्स करके आप जमीन के अंदर से आप दे सकते हैं। तो एनपीके का एक सेट जो है ये लगभग 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है, शेद भी 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है, यानी कि एनपीके शेद मिक्स करके आप 2 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल जो है इसको जमीन के अंदर से दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी फसल है जैसे कि सोयाबीन की फसल है कि जिसके अंदर हम जमीन के अंदर से एनपीके नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार जो है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो हम वहां पर छिड़काव में शेत दे सकते हैं क्या? तो 100% शेत वहां पर दे सकते हैं। शेत जो है ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर दोनों तरीके कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर स्टीमरिज का भी कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी कॉम्बिनेशन है। ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट जो है ये हमने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ये हवा में से भी न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करके ये फसल को देने का काम ये जो है ये बैक्टीरिया करते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर इसका डोसेज जो है ये 15 लीटर के पंप में हम 15 से 30 ml तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 2 एकड़ में हम ड्रिप के माध्यम से या फिर हम खुले पानी में इसको हम दे सकते हैं, हम इसको नोजल खोल के भी हम इसको जो है ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो एक जबरदस्त तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो फसल है इसको प्रॉब्लम जो है ये कहाँ कहाँ से हो सकता है, अगर उसको प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हुई तो, है ना? तो हमारी प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हमारे प्रोडक्ट की वजह से ये पूरी हो जाएगी क्या, न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा क्या? हाँ, देखो हमारा स्टीमरिज, हमारा शेद, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है और हमारा एनपीके, ये ऐसे हमारे तीन प्रोडक्ट है कि जो हमारे फसल को मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,
प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट देने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है ये जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारी फसल को जो लोग, जो शत्रु जो है वो प्रॉब्लम जो क्रिएट करते थे वो है सकिंग पेस्ट। मैंने जैसे बताया था सकिंग पेस्ट ये हमारी फसल को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दुश्मन के बारे में हम बात करेंगे हमारे फसल के। तो हमारे फसल के ऊपर बहुत सारे सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, जैसे कि एफिड्स, हम उसे हरे मच्छर कहते हैं, लीफ हॉपर्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि उसका बहुत बड़ा अटैक जो है ऑलरेडी राजस्थान में और एमपी के कुछ क्षेत्र में भी हो रहा है। थ्रिप्स है ना, जो हम उसे थ्रिप्स कहते हैं, माइट्स कहते हैं, व्हाइट प्लांट, सफेद मक्खी, बीटल्स, माइट्स, इनका अटैक भी हमारी फसल के ऊपर होता है। लेकिन हम इसे सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में क्यों गिनते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फसल के जो रस होता है, जो सैप होता है, उसको चूसने का काम करते हैं। यानी कि इनके, इनका अगर आप देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनको डंक आती है, जैसे कि मच्छर होता है उसको एक डंक आती है, ऐसे इन सबको एक डंक आती है। और ये क्या करते हैं, ये उस फसल के अंदर उस डंक को मारते हैं और उसमें से सैप जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ते जो होते हैं ये ऐसे सुखड़ा जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फसल जो है, आप अगर देखेंगे उसके पिछले हिस्से में सफेद मच्छर, हरे मच्छर अगर ज्यादा मात्रा में है तो जो पत्ते पूरी तरीके से ऐसे सुखड़ा जाते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसके पूरी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो हमारा इंटैक्ट जो प्रोडक्ट है ये सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करता है। तो ये 100% इको फ्रेंडली लिखा हुआ है कि 100% इस प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है। नया फॉर्मुलेशन इस प्रोडक्ट का हमने बनाया हुआ है, ये हर्बल 100% हर्बल ये प्रोडक्ट है। और ये इसके अंदर हमने वेरियस इसेंशियल ऑयल्स का भी हमने इस्तेमाल यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से अवस्था में जो कीटक है उसके कौन से अवस्था में ये काम करेगा और ये कौन से अवस्था में उसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट जो है, सकिंग पेस्ट जो है, ये यहाँ पर उसकी एंटीफिडेंट जो प्रॉपर्टी हो, यानी कि उसको उसके ऊपर अटैक भी किया तो वो किसी भी तरह का नुकसान हमारी फसल को नहीं दे पाएगा। उसी तरीके से एंटी यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेंट का भी काम करेगा, मतलब यहाँ पर अगर किसी फसल के ऊपर इसका मतलब इंटा या जो कीटक है उसका अटैक भी हुआ तो वहां पर ग्रोथ उसकी नहीं होने देगा। उसी के साथ रिपेलेंट का भी काम करेगा, रिपेलेंट मतलब क्या, वहां पर उसको ऐसा लगेगा वो कीटक का अटैक भी हुआ तो वहां पर ऐसा होगा कि यहाँ पर वो वहां पर उसका जो खाने की उसकी जो प्रॉपर्टी वो तो खत्म ही हो जाएगी, लेकिन वहां की उसकी जो स्मेल है उस इंटैक्ट प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से वो वहां पर ग्रोथ भी उस जो इंसेक्ट है उसकी नहीं होगी। उसी के साथ जो अंडे होते हैं उसको भी नष्ट करेगा। तो इस तरीके के इसके अंदर के जो अभी हम प्रोडक्ट के जो कंटेंट है मैंने यहाँ पर लिखे है, एलेडाइड, केटोनस और टेरेपेंस और एलेकोलॉइड्स। अभी ये जो नाम्स है, ये सभी नाम जो है ये किस तरीके के नाम है, यहाँ पर ये सभी नाम टेक्निकल आपको दिख रहे हैं लेकिन इनको सारे, ये सारे जो कंटेंट है, ये सारे जो है ये नेचुरल तरीके से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। एलेकोलॉइड्स ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, ये हमने सदाफुली नाम का जो प्रोडक्ट, जो एक वनस्पति है उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर हमने डाला हुआ है। तो इसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स है ये सब नेचुरल तरीके से हमने डाले। अभी बहुत सारे किसान भाई हमें पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम क्या इल्ली मारने के लिए हम क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं क्या, हाँ, इससे एक छोटी इल्ली जो है ये 100% मर सकती है लेकिन जो बड़ी इल्ली है ये इससे खत्म नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बड़ी इल्ली जो कोराजन से भी खत्म नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है ये यहाँ पर दिन ब दिन क्रिएट होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम सकिंग पेस्ट और छोटी इल्ली को कंट्रोल करने के लिए इंटाक का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ये 100% इको फ्रेंडली है और इसको हमें छिड़काव में इस्तेमाल करना है। 15 लीटर के पंप में इसको हमें
लगभग 2 ml पर लीटर यानी कि 15 लीटर के पंप में इसको 30 ml हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि हमें ये स्टार्टिंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा किसान भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे किसान भाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कब करते हैं, छिड़काव कब करते हैं, जब उनके आंखों को कीटक दिखने लग जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कीटक जो है ये जब हमारी आंखों को दिखता है तब ऑलरेडी वो 30 या 35 दिन का हो जाता है, और उसकी लाइफ साइकिल अगर देखा जाए तो 45 से 40 दिन की लाइफ साइकिल है। मतलब उसने ऑलरेडी उसको नुकसान पहुंचा के रखा है। तो अभी हमें एक ही चीज करना है कि अगर हम स्टार्टिंग से अगर इंटाक का इस्तेमाल करते हैं, पहले छिड़काव से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अंडे अगर नष्ट हो गए तो उसमें से आने वाला जो नया जनरेशन है वही नहीं आ पाएगा, और जो कीटक है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, तो उसमें से नया रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो मतलब हम इसके 2 या 3 छिड़काव अगर इंटाक के करते हैं तो हमारे फसल में से हम पूरी तरीके से सकिंग पेस्ट रस चूसक कीटक जो है वो पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। तो हमें इंटाक का इस्तेमाल इस तरीके से सकिंग पेस्ट के लिए हम कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि हमारी फसल को नुकसान जो है वो डिसीजेस से भी होता है, यानी कि डिसीजेस किस किस वजह से होते हैं, वायरस की वजह से भी होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं और फंगस की वजह से भी होते हैं, जिसे हम फफूंद कहते हैं। अभी फफूंद जो होता है यानी कि जिसे हम
जैसे आएगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी एनकाउंटर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दूंगा। ये प्रोडक्ट जो है ये नॉन सिलेक्टिव है, मतलब क्या है कि ये इसको फसल और चारा समझ में नहीं आता। इसका ये हमने ये वर्जन जो लॉन्च किया है, ये इस वर्जन में हमारा ये चारा और फसल ये दोनों को किल करेगा। मतलब हमें सिर्फ इसको चारे के ऊपर ही छिड़काव करना है। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि जो फसल है उसके बीच में जो चारा उगा है उसके ऊपर हमने इसका छिड़काव किया है, तो लगभग यहां पर एक से डेढ़ दिन के अंदर, मतलब यहां पर अगर देखते हैं तो 48 आवर के अंदर ये चारा जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो यहां पर हमें सिर्फ इसको चारे के ऊपर छिड़काव करना है, फसल के ऊपर छिड़काव नहीं करना है। जैसे ये प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन कर देंगे। उसी के साथ पोस्ट इमर्जन, मतलब जो चारा उगने के बाद ही इसको चारे के ऊपर ही छिड़काव कर सकते हैं। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि चारा उगने से पहले ही हमने खेत के अंदर डाल दिया तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। चारा को उगने दो फिर उसके ऊपर छिड़काव करो। इसका सीधा सा लॉजिक कंपनी ने बनाया हुआ है कि ये किसी भी तरह का केमिकल वाला हर्बिसाइड नहीं है। मार्केट के अंदर जो हर्बिसाइड आते हैं, जो चारा मार दवा की है, वो केमिकल की होती है, जिसकी वजह से हमारी जो खेत है, हमारी जो जमीन है, वो पूरी तरीके से खराब होती है। अगली फसल जो है ये नहीं आ पाती अच्छी तरीके से, और ये केमिकल के बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा जो एनकाउंटर जो चारा मार दवा है ये 100% ऑर्गेनिक और जैविक चारा मार दवा है, और ये नेटसब कंपनी इंडिया की पहली कंपनी है कि जो ये प्रोडक्ट बनाने को जा रही है। तो ये जबरदस्त तरीके से 100% हर्बल काउंटर चारा मार दवा हर्बिसाइड जो है ये नेटसब कंपनी आने वाले समय में आपको आपके हाथ में मिलने वाला है। तो ये कुछ रिजल्ट जो है ये आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसी के साथ हमारे पास बहुत सारे पशु होते हैं, तो पशुओं के लिए भी हमारा एक प्रोडक्ट है पेट लोशन। इसको हमने रीलॉन्च किया है, लॉन्च नहीं किया, रीलॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट क्या है, पेट लोशन ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं। हमारे पास गाय होती है, बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, बकरे होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कीटक का जो होते हैं कीटक हो जाते हैं। हम जो उनका खून जो है वो चूस लेते हैं। हमारे जो पशु होते हैं हम उनको स्वास्थ्य रखने का, अच्छा रखने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो उनके ऊपर जो कीटक आ जाते हैं, जो उनके ऊपर बहुत सारे मक्खियां आती है, जिसकी वजह से जो कीटक होते हैं उनके, वो कीटक हमारे गाय भैंस बैल इनका जो खून है वो चूस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पशु होते हैं वो स्वास्थ्य नहीं रह पाते, उनके बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से होती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पशुओं के ऊपर जो कीटक्स आते हैं, उनको टिक्स आती है, मॉस्किटोज आते हैं, लीस जिसे हम बोलते हैं वो आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेटसब कंपनी ने पेट लोशन, ये 100% हर्बल पेट लोशन है, जिसे हमें जो है इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, नेचुरल तरीके से हम हमारे इस प्रोडक्ट को हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है जो कि ये जो पशुओं के ऊपर जो कीटक होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, लेकिन ये जो दवाइयां होती है ये अगर पशुओं के मुंह में चली जाती है या फिर उनके स्किन के अंदर से वो अगर पशुओं के अंदर शरीर के अंदर अगर चली जाती है, तो कई बार ये देखने को मिला है कि पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु जो है ये पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहते, उनको बहुत सारी तकलीफें जो होती है ये केमिकल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उनकी वजह से होती है। लेकिन हमारा ये जो पेट लोशन प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से हर्बल है, पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक है, और ये इस्तेमाल करने का तरीका हमें गाय या भैंस को पहले धो लो अच्छी तरीके से, और कपड़े से 10 लीटर हमारा इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसको 10 लीटर पानी में 10 से 15 ml लो, और इसको हमारे पशुओं को जो है नीचे से ऊपरी हिस्से को इसको लगाते जाओ, और
इसको लगभग 1 से 2 घंटा रहने दो, उसके बाद पशु को आप धो सकते हैं और जो कीटक से वो पूरी तरीके से हमारे पशुओं के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये नेटसप कंपनी ने ये प्रोडक्ट जो है ये बनाया हुआ है। उसी के साथ CFC प्लस ये प्रोडक्ट तो नेटसप कंपनी का हिट प्रोडक्ट है और MP में तो सबसे ज्यादा सेल होने वाला ये प्रोडक्ट है। आप हमारे जैसे कि हमारी बॉडी है, हमें भी हमारी ह्यूमन बॉडी को भी ग्रो होने के लिए बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत सारे पशुओं को रखते हैं, पशु पालन भी करते हैं, गाय रखते हैं, बहुत सारे जगह पर भैंस, बछड़े, इनका भी पालन होता है। लेकिन उनका अगर हम उनमें से ज्यादा बेनिफिट्स अगर लेना है तो उनको स्वास्थ्य रखना चाहिए और उनको सही मात्रा में सही पोषण भी देना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर हम जो उनको चारा खिलाते हैं या फिर जो भी खली खिला रहे हैं उसकी वजह से, उसके माध्यम से उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन जो है, सही मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बेनिफिट्स हम हमारे पशुओं से नहीं ले पाते। मतलब क्या, दूध की मात्रा हम अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा पाते, फैट कंटेंट नहीं बढ़ा पाते। जो बकरे जो पालते हैं उनमें जो बकरों की हाइट होनी चाहिए, उनके मसल है, वो अच्छी तरीके से मजबूत क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सही न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है। उनके लिए भी नेटसप कंपनी ने जो हमारा CFC प्लस प्रोडक्ट है उसके माध्यम से यूनिक कॉम्बिनेशन वाला ये प्रोडक्ट बनाया। आप CFC प्लस का डिब्बा उठा और उसके ऊपर के कंटेंट देखो, लगभग 26 कंटेंट्स उसके अंदर है और उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, कैल्शियम, मिनरल्स और न्यूट्रिशन की ये भरमार इसके अंदर है। और ये सारे जो कंटेंट है ये नेचुरल तरीके से इसके अंदर डाले हैं। आप मार्केट में चले जाओ और ऐसा प्रोडक्ट आप वेटरनरी वाले के पास जाओ और उनको पूछो कि मुझे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, ये 5 चीजें एक साथ होनी चाहिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ। आपको मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट लेके आओगे तो उसमें कैल्शियम नहीं मिलेगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम मिलेगा तो उसमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये मिनरल्स और कैल्शियम का जो इफेक्टिवनेस है इसको कम कर देते हैं। इसलिए मार्केट में इतना यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक कंटेंट वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और उसी के साथ प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमने इसके अंदर किया है। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस, इतने सारे कंटेंट हम हमारे CFC प्रोडक्ट में क्यों रख पाए? क्योंकि हमने इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये सभी प्रोडक्ट का इफेक्टिवनेस ये जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है ये बढ़ता है। और प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो गाय और भैंस की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको अच्छा रखने का काम करता है। और गाय और भैंस अगर स्वस्थ है, बैल स्वस्थ है, ये कहां से जज किया जाता है? उसके गोबर से। आप वेटरनरी डॉक्टर जब आता है तो क्या चेक करता है? गाय और भैंस का गोबर चेक करता है। गोबर से क्या पता चलता है कि गाय या भैंस की डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, वो खाना सही खा रही कि नहीं खा रही, उसका डाइजेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर अगर गाय का दूध अगर बढ़ना चाहिए तो उसके लिए उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है ये गाय और भैंस की डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि उसकी पाचन क्षमता जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। और पाचन क्षमता बढ़ गई तो गाय अच्छी तरीके से चारा खाएगी और उसको साथ में हमारे CFC प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और कैल्शियम भी मिल रहा है। मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम मिलते हैं लेकिन ये कैल्शियम जो होते हैं ये केमिकल के होते हैं। अगर कोई गाय की क्षमता से 6 से 7 लीटर दूध देने की है, वो गारंटी कैल्शियम खिलाने से हमको लगता है 10 से 11 लीटर 12 लीटर तक चली जाएगी। लेकिन उससे ही होता क्या है कि गाय की बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी उसकी पूरी बॉडी है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, उस गाय को पूरी तरीके से उसकी वजह से खाली हो जाती है जो मार्केट का कैल्शियम आप खिलाते हैं। आप 3 या 4 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल मार्केट का कैल्शियम आप खिलाओ, 4th साल आपकी गाय का दूध ये रिवर्स हो जाएगा।
दूसरे साल ही गाय का दूध जो है ये कम हो जाए। 2 साल तक तो आपको दूध बढ़ेगा, इंस्टेंट दूध बढ़ेगा, क्योंकि गाय के बॉडी का कैल्शियम उसमें से अब्सॉर्ब होने लग जाता है। लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने जो कंटेंट डाले हैं, इसके आप कंटेंट देखो, हमने इसको कहां कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, शतावरी, मेथी, इसके जैसे हमने मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हमने नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट करके हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाली है। तो यहाँ पर हमारे गाय और भैंस को हमें, या फिर घोड़ा है, या फिर हमारे पास बछड़े हैं, उनको भी हम दे सकते हैं, पोल्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें, हम जो भी खली खिला रहे हैं, या फिर जो भी हम उसको हमारे गाय भैंस को, या फिर हमारे बैल को, या फिर हमारे बछड़े को जो भी खिला रहे, उसमें जो अडल्ट है यानी कि जो मैच्योर है, उनको हमें दिन में 10 ग्राम, सुबह 5-5 ग्राम भी खिला सकते हो, या फिर एक साथ 10 ग्राम हमें, हम आटे के साथ, खली के साथ मिक्स करके खिला सकते हो, और पानी अच्छे से पिलाओ, उससे आपके गाय या भैंस का दूध जो है यह 100% 20 से 25 दिन के अंदर लगभग 1 से 1.5 लीटर तक दूध जो है ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। उसी के साथ जो फैट कंटेंट है, दूध नहीं बढ़ा तो फैट बढ़ेगा, दूध और फैट दोनों नहीं बढ़े तो आप एक ऑब्जर्व करो कि आपके गाय की खाने का जो तरीका है, उसका रहन सहन है, उसकी चमक है, उसकी स्किन का चमक है, उसकी बाल की क्वालिटी है, उसका सारे में सुधार आपको यहाँ पर दिखेगा। जिस गाय की कैपेसिटी 10 लीटर है, हाँ 100% हम उसको 10 लीटर तक हम उसको कंटिन्यू अगर खिलाते रहेंगे तो वहां तक कैपेसिटी उसकी गाय की जहां तक है, वहां तक हम उस गाय की दूध देने की क्षमता, भैंस की दूध देने की क्षमता जहां तक है, कैपेसिटी उसकी वहां तक है, वहां तक हम 100% उसको लेके जा सकते हैं धीरे धीरे। उसी के साथ जो बछड़े कई बार क्या होते हैं, बछड़े प्रीमैच्योर हो जाते हैं, उसी के साथ 1 साल 2 साल का जो गैप होता है वो भी गैप नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं के ऊपर ये रामबाण उपाय हमारे, देखो हम तो हम अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हम खुद जाके खा लेते हैं, लेकिन हमारे पशुओं को हम कैसे पता चलेगा कि इनको ये जरूरत है। तो उनके लिए अगर हम किसान भाई हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, उनके लिए CFC+ ये रामबाण उपाय उनके लिए है, एक जबरदस्त यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट नेटसब कंपनी ने बनाया हुआ है और हाईएस्ट टर्नओवर देने वाला ये प्रोडक्ट हमारी आज की तारीख में हमारा ये प्रोडक्ट है। पोल्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्ट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो फूड कंजम्पशन रेशियो है वो बैच का, वो यहाँ पर जो है ये कम हो जाता है पोल्ट्री में, और उसी के साथ जो बैच है ये लगभग 3 से 5 से 6 दिन पहले यहाँ पर जो है ये बनता है, तो वहां पर भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अगर डिटेल्स चाहिए पोल्ट्री में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके डिटेल्स मेरे पास है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा, आपके लीडर्स के माध्यम से आपको वो मिल जाएंगे। उसी के साथ ये ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन हमारे जो कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नेटसब का और एक प्रोडक्ट आ रहा है आने वाले समय में, आपको जल्दी आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर बायोफिट कल्चर नाम का एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। बायोफिट कल्चर जो कि आपके खेत में फसल निकलने के बाद बहुत सारी जो चारा रह जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें रह जाती है फसल निकलने के बाद, या फिर हमारे पास गोबर खाद होता है, तो ये इसको भी खाद में कन्वर्ट करने के लिए नेटसब ने एक बायोफिट कल्चर बैक्टीरिया बनाया हुआ है, जो आने वाले समय में आपको जल्दी आपके हाथ में मिलेगा, और ये इस्तेमाल करने से आपको एक जबरदस्त बेनिफिट जो है, जो आपका जो कचरा है उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। उसके डिटेल्स आने वाले समय में, उसका प्राइसिंग डिटेल, ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में हम आपको बताए जाएंगे। सिर्फ ये प्रोडक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, आने वाले ये अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 100% ये प्रोडक्ट जो है इसका रॉ मटेरियल हमारे पास अगर पहुंच जाता है जल्दी से जल्दी, तो ये भी प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचा देंगे। उसी के साथ बायो लार्विसाइड, ये ऐसा यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। बायो लार्विसाइड इसका मतलब इल्ली की ऊपर, इल्ली ये बहुत बड़ी परेशानी आज की तारीख में हमारे किसान भाइयों की बनी हुई है, नींद खराब करके रखी है, तो उसके लिए भी
बायो लार्विसाइड के ऊपर, मतलब इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए एक बायोलॉजिकल खतरनाक प्रोडक्ट, जो जबरदस्त प्रोडक्ट जो है बायो लार्विसाइड जो प्रोडक्ट है, यह मार्केट में अभी हम आने वाले समय में उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो भी हम आपको देंगे। उसी के साथ एक्वाकल्चर, बहुत सारे किसान भाई जो है यह भी फिशरी का भी काम करते हैं हमारे, अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, नॉर्थ ईस्ट में फिशरी के ऊपर बहुत बड़ी खेती होती है। जैसे हमारे यहाँ पे धान की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, वहां पर फिश की खेती होती है, प्रॉन्स की खेती होती है। आप मुंबई साइड चले जाओ वहां पर भी होती है, तो वहां पर भी उनके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट जो है ये एक्वा कल्चर रेंज में भी हमारे साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जल्दी ये प्रोडक्ट भी हम मार्केट में लॉन्च करने वाले, जबरदस्त प्रोडक्ट ये है। इसका मतलब क्या है कि नेटसब ये 360 डिग्री से सोचता है। मतलब क्या है कि मार्केट का ऐसा कोई भी सेक्टर, हमारे किसान भाइयों को ऐसा कोई भी वहां पे उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक चीज के लिए नेटसब कंपनी एक जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आ रही है, और हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट है, नए रिवैम्प हुए सारे प्रोडक्ट है, ये आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे। आप इन सभी प्रोडक्ट को बेहिचक होके मार्केट में प्रमोट कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाइए। और मैं गारंटी के साथ आपको ये बताता हूं कि अगर कोई भी किसान सही तरीके से, सही ढंग से इसको इस्तेमाल करता है, सिर्फ एक प्रिकॉशन रखो कि जो पंप किसान भाई इस्तेमाल करेगा उसको अच्छे से धो लो, और केमिकल का इसका इस्तेमाल, केमिकल का अगर फर्टिलाइजर के साथ अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 दिन का अंतर रखो। आपने जमीन के अंदर अगर खाद दिया है तो 3 से 4 दिन का अंतर रखो, आपने केमिकल का छिड़काव डाला है तो 3 से 4 दिन का जो गैप है उसके अंदर होना चाहिए। केमिकल हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिक्स मत करो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट, देखो कई बार हमारे प्रोडक्ट बाकी मार्केट के केमिकल के साथ सूट हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के साथ सूट नहीं होते, क्योंकि मार्केट के कौन से केमिकल के अंदर क्या डाला है यह हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से शायद साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप जो पंप है उसको अच्छी तरीके से, जो छिड़काव का पंप है उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए गर्म पानी से, साबुन से, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं एक ही बोलूंगा, सही तरीके से, सही टाइम पे अगर हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 100% यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, और साइड इफेक्ट तो कभी भी नहीं होगा। इसके सारे प्रोडक्ट के हमारे पास सर्टिफिकेशन है, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक चीज आप ध्यान में रखो, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को लगभग 2 से 2.5 साल लगते दोस्तों। ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि मार्केट में लाना है तो 3 दिन में बना के आपको बोतल में पैक करके दे दिया। इसके ऊपर रिसर्च होता है, मार्केट की रिक्वायरमेंट समझी जाती है, उसके बाद रिसर्च होता है, और हमारा जो बेस है क्या है कि ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक होने चाहिए, 100% हर्बल होने चाहिए, तो उसका भी पूरी तरीके से यहाँ पर कंपनी उसके ऊपर काम करती है, उसका डेमो होते, डेमोस्ट्रेशन होते, फिर जाके गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन होते, लैबोरेटरी से सर्टिफिकेशन होते हैं, और अलग अलग स्टेट में इसका डेमोस्ट्रेशन किया जाता है, और तब जाके ये प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से 24 कैरेट सोना है आपके हाथ में। बस आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से कितना ज्यादा बिजनेस कर सकते हो यह आपके ऊपर है, कितने किसान भाइयों को पहुंचा सकते हो यह आपके ऊपर है, और ये प्रोडक्ट ऐसे है कि आपको ये बल्क में टर्नओवर देने वाले प्रोडक्ट है। तो आप सभी लोगों ने ये आज का ये ट्रेनिंग सुना, और मैंने शायद आपका ज्यादा टाइम